हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी टोमेटो मसाला पूरी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पूरी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टोमेटो मसाला पूरी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप गेहूं का आटा लिया, फ्राइंग के लिए ऑयल, 2 टोमेटो को प्यूरी बना के रखा, 1 चम्मच हरे धनिया बारीक चॉप करके रखा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैदा में पहले अजवाइन ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पहले सूखा इंग्रेडिएंट्स को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हरे धनिया और जो टोमेटो का प्यूरी बना के रखा वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके डो बना लेती हूँ। अच्छी तरह से मल मल के टोमेटो प्यूरी देके आटा गूंद के रेडी कर लिया। अभी अगले प्रोसेस में जाऊंगी। अब छोटा छोटा गोला बना लेती हूँ, जैसे पूरी बनाएंगे छोटा बड़ा उस हिसाब से बॉल तैयार कर लेती हूँ। ऐसे सारे लोइया से पेड़ा बना लिया। अभी एक पेड़ा ले लेती हूँ और रोलिंग पैन और बेलन ले लेती हूँ और पूरी बेल के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे सारे पूरी बना के तैयार कर लेती हूँ। ऐसे सारे पूरी बना के रेडी कर लिया। अभी फ्राइंग के लिए जाऊँगी। ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। ऐसे धीरे धीरे दबा के जाने का तो अच्छी तरह से फूक के उठेगा। ऐसे फूक करने के बाद फ्लिप कर देने का, दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेने का। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब किचन टिश्यू पे निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे पूरी फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सारे पूरी फ्राई हो गया, गैस बंद कर दिया और किचन टिश्यू पे एक्स्ट्रा ऑयल सोक करने को लिए रख दिया। है ना मज़ेदार टमाटो पूरी, टेस्टी क्रिस्पी टमाटो मसाला पूरी बन के रेडी हो गया। खाने में बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे बनाइए और आप लोग का अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।